साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने से गांव के लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो खूब नेता लोग आते हैं, लेकिन अभी तक कोई विधायक या सांसद सुध लेने नहीं आए हैं। देखिए, ये जो है ना PCC रोड है, इस पर नाव चल रहा है, पूरा देखिए रहे हैं, ये सारा बस्ती डूब चुका है। ये अभी जो है तो हम लोग नाथू टोला में हैं, ऐसा टोला जो है तो 14 टोला प्रभावित है बाढ़ से। और आज तक हमारे ना सांसद ना विधायक कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया बाढ़ में, ये क्या स्थिति है नहीं है। यहाँ बहुत कुछ है, दिक्कत है, नाव बेढ़ा के अनाज पानी भी सब डूब धंस गया। यहाँ बहुत कष्ट है, अभी सरकारी कोई आदमी देखने नहीं आया, पूरा दिक्कत है सर। जब रोड में पानी भर गया है, घर में भी पानी भर गया है, खाने पीने के कोई ऐसी है आना, कोई विधायक आए नहीं, कोई प्रशासन आए। पटना सिटी से खबर है जहां सुल्तानगंज में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। FSL की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रागीब बाइक मैकेनिक का काम करता था, पुलिस परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रही है। वहीं अगल बगल के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। चार बजे मेरी अम्मी को खानकाह में मार दिया, मंगल तालाब छोड़ा जाके इसने, और उसके बाद सवा सात बजे मेरी अम्मी फ़ोन कर रही हैं तो फ़ोन नहीं उठाई, 8 कॉल तो घबरा गई। तो फिर किसी ने कॉल उठाया तो बोला कि हम सुल्तानगंज थाना से बोल रहे हैं, तो घबरा के हम मेरी अम्मी हमको फ़ोन करती हैं कि क्या हुआ पता करो जाके, मेरा घबराहट हो रहा है। तो हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि मोबाइल आपका थाना में यहाँ जमा है, सुल्तानगंज थाना में, और जिसका मोबाइल है उसको गोली लग गया। गोली लगने से उसका मृत्यु हो चुका था। इसमें अभी तक की सूचना के आधार पर ये जो मृतक व्यक्ति है वो खाजीकला का रहने वाला है, उसका नाम आकिब है। अभी तक घटना जो हुआ है उसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा FSL टीम को बुलाया गया है जो घटनास्थल को प्रोटेक्ट किए हैं। अगली खबर पूर्वी चंपारण से आपको बताएं, जहां प्यार में ब्रेकअप से नाराज आशिक ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। मधुबन के घुमरिया गांव की का ये मामला है। आरोपी का नाम चुन्नू राम है, जिसने पूर्व प्रेमिका की अपने दोस्तों के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चुन्नू राम का पूर्व प्रेमिका से 5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था।